दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ई बुक पे जो मैंने लास्ट वीडियो पे लॉन्च की थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड ब्रेक आपने सेल कर दिया उसका। इससे बहुत बढ़िया बूस्ट मिली मुझे और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं बहुत ही सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं सेकंड ई बुक अभी लिख सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया है दोस्तों। आपने अभी भी ई बुक परचेस नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और आपको जानना है कि ये ई बुक किस पे है तो वो है फार्मास्यूटिकल इंटरव्यू गाइडलाइंस पे ई बुक है दोस्तों। आपको बहुत सारी फील्ड्स के लगभग 10 फील्ड्स की जानकारी आपको एक ई बुक में मिलेगी। उसकी प्राइस ओनली 50 रुपीज़ है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, आप जाके वो वीडियो देखिए और ज़रूर मुझे उसके रिव्यू बताइए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में के बारे में मैं बात करूँगा दोस्तों। तो आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो बनाए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अब मैं कोर्सेज के रिकॉर्डिंग वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो ये पहला वीडियो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है दोस्तों। आगे नेक्स्ट एपिसोड आते रहेंगे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फिर आएंगे आपके बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च में तो आएगा दोस्तों, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें आएंगे। तो बहुत सारे जो कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल फार्मेसी का कोर्स है और साथ में अगर आप अलग कोर्स करते हैं तो वो कौन से करने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के सीरीज़ में बताऊँगा दोस्तों। तो इसके लिए आप मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो ये पहला वीडियो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर करना है, कोर्स करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उस पर सब्जेक्ट कौन से रहेंगे और उस पर आपके रोल्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कोर्स का, फिर कौन सी कंपनीज आपको हायर करेगी। तो ये सारे डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर रिलेटेड स्टूडेंट्स को करियर अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ बनाता हूँ और साथ में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस बनाता हूँ, इंटरव्यू टिप्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको मालूम है, क्लिनिकल रिसर्च है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। कोई भी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होने से पहले उस पर वॉलंटियर्स पे यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का। और इसमें बहुत सारा डेटा इंक्लूड होता है, तो ये डेटा क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का काम रहता है। ये डेटा सेफ्टी सेव तो करना है, फिर रिलायबल और बहुत ही इजी फॉर्म में प्रोड्यूस करना है, ये सारा काम क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का रहता है। इसमें मैंने क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में पहले ही वीडियो बनाया, उस पर मैंने बताया इंडिया क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, फिर यहाँ पे कौन से स्किल्स आपको चाहिए अगर इस फील्ड में आपको करियर करना है। तो ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड किए, आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में जानेंगे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ एक नया फील्ड ग्रो हो रहा है। मोर देन 50% इसकी ग्रोथ हो गई है लास्ट 2 या 3 ईयर्स में देखी गई है। तो इसके लिए क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट मस्ट है। तो इसके लिए कंपनीज प्रोफेशनल कैंडिडेट्स देख रही है कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर करने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स आपको करना जरूरी है। तो इसके लिए आप इसके बाद आप प्रोफेशनली काम इजीली इंडस्ट्री में कर सकेंगे। तो ये कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो ये कोर्स के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, आप कौन से कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं बताता हूँ ड्यूरेशन का। तो लगभग ये 3 महीने भी का भी कोर्स रहता है, 6 महीने का भी और 1 साल का भी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करता है। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करेंगे तो उसमें एलिजिबिलिटी आपको बी फार्मेसी या एम फार्मेसी कंप्लीट करनी जरूरी है, या कौन सा भी ग्रेजुएशन विद साइंस ग्रेजुएट लाइक लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा ग्रेजुएशन भी चलेगा दोस्तों। और मेडिसिन हेल्थ रिगार्डिंग जैसे MBBS, BHMS, BAMS ऐसा कोर्स अगर करते हैं तो वो भी एलिजिबल रहते हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो ये कोर्स में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, तो पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल रिसर्च एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की स्टेक होल्डर्स।
दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो है प्रिपरेशन प्लानिंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, और साथ में इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं क्लिनिकल रिसर्च में वो कौन से, वो पढ़ाए जाएंगे। फिर रेगुलेटरी सबमिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू डेटा मैनेजमेंट। चौथा सब्जेक्ट है केस रिपोर्ट फॉर्म मतलब CRF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में, ये बहुत बार यूज होता है। तो केस रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है, तो वो एक टूल है जो स्पॉन्सर जो क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं उनको 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 डेटा कैसा देना है, तो वो केस रिपोर्ट फॉर्म के फॉर्म में देना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल रहता है हर एक स्पॉन्सर के लिए CRF। तो ये पढ़ाया जाता है आपको इस कोर्स में, उसके कैसे उसको कंसिडर करते हैं, कैसे इसको इंटरफिल करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कौन सी एरर्स आती है उसको मैनेज कैसा करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। फिर डेटा मैनेजमेंट प्लान आपको पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर, ये क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर 9th सब्जेक्ट है ट्रैकिंग CRF डेटा, केस रिपोर्ट फाइल का जो डेटा है उसको कैसे ट्रैक करना, ये आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। फिर आपको पढ़ाया जाएगा मैनेजिंग लेबोरेटरी डेटा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कलेक्टिंग एडवर्स इवेंट डेटा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा क्रिएटिंग रिपोर्ट्स एंड ट्रांसफरिंग डेटा। और लास्ट में केस रिपोर्ट्स होते हैं, वो आपको इस सब्जेक्ट के दौरान, इस कोर्स के दौरान आपको पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कौन से भी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने से पहले। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स पूछते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूट हम प्रेफर करेंगे। मैं इंस्टीट्यूट के नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये फुलफिल जो इंस्टीट्यूट करते हैं वहाँ पर आप इजीली करियर कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसमें पहला है आपको एक्रीडिटेशन देखना है, कौन सा एक्रीडिटेशन, मतलब काउंसिल फॉर UK, काउंसिल फॉर US के जो एक्रीडिएशन होते हैं जी इंस्टीट्यूट को, वो आप वहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो इंडिया की रहती है वो भी एक्रीडिटेशन देती है, तो वो इंस्टीट्यूट कौन से वो आप ढूंढिए, वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आपको कौन सी पॉइंट पे ध्यान देना है, तो वो है टीचिंग का स्टाफ, ये एक्सपीरियंसड है या नहीं ये देखना है, इनको अपडेशन है या नहीं ये देखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार अपडेशन होता रहता है, तो वो टीचिंग स्टाफ को होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है, तो वो है कैंपस जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो एक्चुअली उनका टाइप है क्या इंडस्ट्री से, बिजनेस एंटरप्रेन्योर से, या कौन सी कंपनीज के, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी से, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है, तो तभी आपको अच्छी कंपनी आपको मिल सकती है। तो कैंपस, ई कैंपस भी होते हैं, तो ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस, ये दोनों भी वो इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट करती है कि नहीं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, तो कंडक्टिंग जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो उन्होंने कंडक्ट करना ज़रूरी है। मॉक इंटरव्यू मतलब एक इंटरव्यू होता है जो प्रिपरेशन के लिए लेती है इंस्टीट्यूट, रियल में नहीं होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए मॉक इंटरव्यूज रहते हैं, और साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से उसकी प्रिपरेशन भी आपको होनी चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूट अगर आपको करती है, इनिशिएटिव लेती है, तो ये इंस्टीट्यूट अच्छी होगी। नेक्स्ट आपको कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, तो ऑन प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है, क्योंकि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है, तो ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर पर आपको कैसे काम करना है, ऑन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा उस पर आपको काम करना है। तो अगर ये इंस्टीट्यूट कोई भी प्रोजेक्ट आपको देती है तो वो इंस्टीट्यूट अच्छी और अच्छी होती है, और साथ में आपको मदद भी होती है फ्यूचर में इसके बारे में। तो ये हो गया, ये पॉइंट आपको ध्यान में देने हैं कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, क्यों ये कोर्स करना है, क्या आपको सीखा जाएगा इस कोर्स में, क्या आप सीखेंगे दोस्तों। तो वो है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट वर्क फ्लो कैसे रहता है ये आप सीखेंगे। फिर डेटा मैनेजमेंट प्लान क्या रहता है ये आप सीखेंगे दोस्तों। फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो केस रिपोर्ट फॉर्म जो होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग के वो अलग अलग एक्टिविटीज़ वो कौन से रहते हैं ये आप सीखेंगे। फिर आप सीखेंगे एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट, ये आप सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये एक फॉर्म में ही आता, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है दोस्तों। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस की भी जानकारी मिलेगी दोस्तों, और आपको होनी भी चाहिए। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की भी जानकारी अगर फार्माकोविजिलेंस का कोर्स करते हैं तभी भी होनी ज़रूरी है। तो ये दोनों फील्ड कनेक्टेड है एक दूसरे से। फिर आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो है रिपोर्ट क्रिएशन कैसे करना है, ये भी आपको इस कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब स्किल्स कौन से लगेंगे ये मैंने बताया लास्ट वीडियो में, मैंने बनाया था क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में, वहाँ पे मैंने बताया कौन से स्किल आपको डेवलप करने ज़रूरी है। फिर
अब नेक्स्ट बात करते हैं फीस की, तो फीस वैरी होती है, 50,000 to 1 lakh to 1.5 lakh, ये डीपर रहती है हर एक इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट दोस्तों। तो अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की, कहाँ पे आपको जॉब लग सकती है। तो पहला एम्प्लॉयमेंट एरिया ये है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपको जॉब लग सकती है। दूसरा है लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और फिर रिसर्च फील्ड जो होते हैं वहाँ पे भी, या रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे डेजिग्नेशन की, क्या आपका डेजिग्नेशन होगा अब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में। तो वो है रिपोर्ट डिज़ाइनर, आप एज ए रिपोर्ट डिज़ाइनर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर क्लिनिकल डेटा एसोसिएट, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अलग, क्वालिटी कंट्रोल, दोनों फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। फिर डेटा मैनेजर आप हो सकते हैं, फिर मेडिकल कोडर भी आप हो सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया डिटेल्स में, मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।